तो गाइज ये पीछे जो दिख रहा है ना, जिसमें बत्ती जल रही है, वो बोट हाउस है। उसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि वो कैसा है और क्या है और किस चीज से जा रहे हैं। हम बोट से ही जा रहे हैं, पूरा डल लेक है। अभी आगे हम पहुंच गए श्रीनगर, पहुंचे नहीं, जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं। रास्ते में और कितना दूर है? तकरीबन 270 किलोमीटर। 70 किलोमीटर है मतलब? 270 किलोमीटर। 270 तो रात के 2 बजे तक हम श्रीनगर पहुँच जाएंगे। गुड मॉर्निंग, रेडी सेडी हो गए? रेडी सेडी हो गया अभी। गुड मॉर्निंग सबको। तो अजय भाई क्या गुड मॉर्निंग आपने एक्सेप्ट कर लिया? देखिए अब हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं और आपसे मिलते हैं सीधा गाड़ी में, कोई बीच में वीडियो बनने वाला नहीं है। कश्मीर में, कश्मीर में, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। हूं रौनक, जय माता दी। तो अब हम लोग जो है कटरा माता रानी के दरबार से निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए और हमारा जो ये खूबसूरत सा ट्रिप होगा, इसमें इतने एडवेंचर्स आपको देखने को मिलेंगे, इतनी खूबसूरती देखने को मिलेगी तो शायद ही कहीं देखने को आपको मिला होगा। तो इस ट्रिप में फुल मजा देने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में आपको, और फुल एडवेंचर होगा और फुल एंजॉयमेंट होगा। इस ढाबा में हम लोगों ने बड़ा ही खूबसूरत मैगी बनाया गया। किसने बनाया? राणा भाई ने मैगी बनाया। हमारा सेक्रेटरी है, वो हेल्पर में हूँ। हेल्पर में कौन था? पिंटू भाई था, मैं था। अच्छा, कैसा टेस्ट कैसा है? बहुत जबरदस्त। आप क्या बोल रहे हो? मैं तो खाया, बहुत अच्छा लगा। राणा भाई को बोलो मैगी बना के और खा के कैसा लग रहा है? बनाया हुआ ना, इसलिए बनाया हुआ। भाई लोग इधर है, देखिए चावल तो खाए नहीं है। अब शिक्षक तो हम लोग आ चुके हैं कन्याकुमारी श्रीनगर हाईवे पे। अब देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारे हैं और कटरा के बाद तो और भी खूबसूरती शुरू हो जाती है। श्रीनगर का जो ये रूट है बेहद ही खूबसूरत है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा कितनी खूबसूरती है इस रूट पे। तो अभी हम लोग फिलहाल हमें जाना है 200 किलोमीटर और दूरी हमें तय करना है श्रीनगर के लिए। और गूगल बाबा बोल रहे हैं कि 5 घंटा 33 मिनट लगने वाला है। अब देखते हैं कितना समय लगता है और कितने बजे हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग का प्लान ये है, आगे मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्या प्लान है। फिलहाल आप इस खूबसूरती को देखिए और इसका आनंद लीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट, गाड़ी कहाँ घुस गया देखो। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक वाला ने जबरदस्त एक्सीडेंट किया है। गाड़ी कहाँ घुस गया? तो भाई केयरफुली गाड़ी चलाना है। कहाँ गए वो? दोस्तों 6:57 हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं उधमपुर। अभी जो यहाँ से श्रीनगर की जो दूरी है 180 किलोमीटर और बच गया है। तो देखिए अभी हम लोग को श्रीनगर जाने में क्या टाइम लगता है। प्लानिंग यही है कि हम लोग श्रीनगर डल झील के आसपास में कहीं होटल लेंगे और स्टे करेंगे। तो श्रीनगर की जो दूरी दिखा रहा है 185 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। और ये मैंने जो अपने मैप में लगा रखा है डल झील का लोकेशन सेट कर रखा है। डल झील पहुँचने में अब क्या टाइम लगता है? गूगल पर तो बोल रहे हैं कि 5 घंटा 16 मिनट लगने वाला है, बट देखते हैं क्या टाइम लगता है, रास्ता कैसा मिलता है, क्या मिलता है, वो सारी चीज़ों की मैं जानकारी आपको इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। ये उधमपुर में भी बाईपास बना हुआ है, आपको शहर में जाने की जरूरत नहीं है। उधमपुर से भी बहुत ही बेहतर रोड के माध्यम से आप निकल सकते हैं। देख सकते हैं क्या बेहतरीन रोड बना हुआ है। तो ये कन्याकुमारी श्रीनगर जो हाईवे है, सच में इसका जवाब नहीं है। अभी तक तो बहुत ही खूबसूरत रहा हम लोग का, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, परेशानी नहीं हुई है जगह जगह। अभी हम लोग उधमपुर क्रॉस कर चुके हैं, तावी नदी के किनारे किनारे ये जो हाईवे है जा रहा है कन्याकुमारी श्रीनगर हाईवे। तो दोस्तों कुछ ही पलों में अब हम लोग पहुंचने वाले हैं जवाहर टनल के पास और उसी टनल से होके हमारी जो गाड़ी है गुजरेगी। ये टनल जो है काफ़ी पुराना है दोस्तों। जवाहर टनल बनने के बाद लगभग तीन किसी भी मौसम में इस टनल से आप आ जा सकते हैं। इस टनल की जो लंबाई है 2.85 किलोमीटर की टोटल लंबाई है, लेकिन इधर इसके अंदर जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो एक अलग ही एहसास होता है, ठंडापन होती है, बड़ा ही
खूबसूरत नज़ारे होते हैं। अभी यहाँ हमारे पेट्रोल वाले गाड़ी में पेट्रोल लेना है, तो देखिए यहाँ हम लोग को पेट्रोल पम्प मिल गया। इस रूट में पेट्रोल पम्प वगैरह का दिक्कत अभी तक तो नहीं आया है, उधमपुर से लगभग हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं। अब जो श्रीनगर की दूरी है 141 किलोमीटर बच गई है, जो कि 4 घंटा दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पेट्रोल वाले गाड़ी में पेट्रोल लेंगे, और पेट्रोल लेने के बाद फिर ना हमारी जो आगे की यात्रा है वो कंटिन्यू होगी। चलिए देखते हैं कैसी क्या होता है आगे का यात्रा, तो बड़ा सुखद होना चाहिए। दोस्तों हम लोग बनिहाल आ चुके हैं, और रोड का जो कंडीशन है देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है। बीच में थोड़ा बहुत हम लोग को गड़बड़ मिला था 1-2 किलोमीटर का, वो तो चलो रोड का काम चल रहा है जहाँ पे टर्नल बन रहा है, और बहुत से अच्छे अच्छे टर्नल होके हम लोग गुजरे हैं यहाँ से। और अब हम लोग की जो दूरी है 96 किलोमीटर और बच गई है, और समय जो है 2 घंटा लगने वाला है, क्योंकि अब जो रोड है मस्त एकदम रोड मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत रोड है, और दिन अगर होता ना तो मैं यहाँ की नजारे आपको दिखाता, वो तो बेहद ही खूबसूरत है। उसके बारे में मैं क्या आपको वर्णन करूँ, सच में कश्मीर तो कश्मीर ही है। दोस्तों अब इधर का जो टेम्परेचर है ना वो पता है आपको 22 डिग्री हो गया है। हम लोग पहले अभी थे 32 डिग्री में, जम्मू और कटरा का टेम्परेचर था, अब जो है 22 डिग्री हो गया। अभी देखिए आगे जाते हैं तो कितना टेम्परेचर कम होता है। ये देखिए हम लोग टर्नल के अंदर इंटर किए हैं, क्या खूबसूरत व्यू है सच में। दोस्तों अब श्रीनगर की जो दूरी है और 81 किलोमीटर बच गई है, और हम लोग अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। पहलगाम की दूरी जो है 66 किलोमीटर, और लेह की दूरी 495 किलोमीटर। तो हम लोग श्रीनगर की तरफ अग्रसर हैं, और लगभग 1 से 1.25 घंटा में हम लोग पहुंचेंगे श्रीनगर में। समय जो है अभी आप देख सकते हैं 10:21 हो रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अनंतगढ़, और अब जो श्रीनगर की दूरी है लगभग 45 किलोमीटर यहाँ से बच गई है। रोड का जो कंडीशन है आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतर है और खूबसूरत है, और साथ में खूबसूरती तो बहुत है, जबरदस्त है। रात में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और दिन की तो अगर हम बात करें तो दिन में तो मैं क्या बताऊँ, दिन की जो आने के टाइम आपको हो सकता है दिखा दें आपको। खाने का टाइम हो गया है दोस्तों, समय जो 10:45 हो गया है, और हम लोग को भूख भी लग गई है अब, तो सोचा चलो यही खाना खाया जाए वाटर पॉइंट, और यही खाना हम लोग का होगा आज डिनर। थोड़ा पहले हो रहा है क्योंकि हमने लंच किया ही नहीं। सारी गाड़ियां तो हमारी आ चुकी है, और अब यहीं पे हम लोग का आज होगा डिनर। खाने का ऑर्डर कीजिए। भैया जी ऑर्डर कीजिए। आलू पराठा, मिर्च लच्छा पराठा में क्या आता है सर? अब जो लिखे मिर्च लच्छा पराठा उसमें क्या आता है? मिर्ची वाला होता है, स्पाइसी। भैया जी ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर मोर भात तो रोई जाते हैं और पालक पनीर। पालक पनीर बना दो, आप क्या खाओ? पराठा दो, और मिर्ची लच्छा पराठा एक, आलू मटर दो, और दाल तड़का एक, वेज पुलाव एक, पनीर फ्राइज एक। इतना भाई है, उसके बाद रोटी मिल जाएगा तो से? रोटी रोटी आपने कितना सर किया? रोटी फिलहाल कोई नहीं ऑर्डर किया, रोटी कोई नहीं लेता है। उसमें ड्राई फ्रूट रहता है, बिना दूध के रहता है। इतना लाइए कश्मीरी केवा, वो क्या है? बिना दूध के रहता है, ड्राई फ्रूट रहता है, जाफरान पड़ता है उसमें।
मीठा रहता है, आप ट्राई के लिए लाएँ तो एक देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से खाना परोसा जा रहा है स्टील के बर्तन में, स्टील की थाली, सब कुछ स्टील का। दाल मखनी आ गया, सलाद आ गया और ये फ्राइड राइस। उधर क्या है? ये सबसे अच्छा चीज है, अचार। अचार अचार खाते हैं भैया जी? खाने में चार चांद लगाता है। ऊपर वाला मिर्ची वाला है, मिर्ची लच्छा पराठा। आपको वेज पुलाव ना सर? वेज पुलाव। पालक पनीर खाना का सारा आइटम आ गया है और सभी लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। खाना तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। खाना खाने के बाद अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। अब यहाँ से मुश्किल से आधा घंटा लगने वाला है, लेकिन अभी जो यहाँ का मौसम है ना, ठंड लग रही है। मतलब 15-16 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग आ गए हैं। मैं टी शर्ट में हूँ, अब बस मैं शर्ट डालूँगा। यहाँ पर ठंड बहुत है। ये है हाईवे पे ही ये वाटर व्यू, वाटर पॉइंट, यहीं पे हमने खाना खाया। हमारा लंच लंच और डिनर दोनों एक साथ किया हमने। RAUNAK ऑन रोड दोस्तों, ये वाटर पॉइंट जो है, यहाँ पे वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। तो यहीं हमने खाना खाया और अब हम लोग की जो मंडली है वो कहाँ निकलेगी अब? खाना अच्छा था, बहुत अच्छा। तो अब श्रीनगर के लिए हम लोग निकलेंगे, डल झील के आसपास देखेंगे, वहीं पे कोई होटल मिलता है तो वहाँ हम लोग फिर होटल लेंगे। बाय 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 बाय। हाँ दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर और श्रीनगर में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग 18 डिग्री अभी का है। और हम लोग का ये प्लान है सीधा डल झील के आसपास कहीं होटल लेने का है। हमने बुकिंग तो कहीं नहीं करा रखा है, लेकिन डल झील के आसपास होटल्स बहुत सारे हैं, तो कोई ना कोई होटल मिल जाएगा। समय जो है अभी बज चुका है 12, क्योंकि रास्ते में हम लोग खाना भी खा रहे थे तो थोड़ा सा समय का इधर उधर हुआ है। 11:30 का पहुँचने का टाइम था लगभग, लेकिन हम लोग 12 बजे पहुँचे। रास्ता में डिनर करके आए हैं तो अब जाके रूम में केवल सोना ही सोना है। तो श्रीनगर की खूबसूरत राहों में आप सभी का स्वागत है। कल जब दिन में मैं आपको व्यू दिखाऊंगा ना यहाँ का, वो सच में देखने लायक होगा। तो नेक्स्ट वीडियो को कभी आप छोड़िएगा नहीं, उसको तो जरूर देखिएगा। उसे पूरा श्रीनगर मैं आपको घुमाने वाला हूँ। और डल झील का जो अजय भाई का ख्वाहिश था कि डल झील के बीच में जाके हमें कुछ कुछ खाना है ना, वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जरूर। भैया डल झील चला जाएगा सीधा? डल झील सीधे लगभग 5 किलोमीटर। ठीक है, अब डल झील की जो दूरी है बच गई है 5 किलोमीटर। बाहर से तो एकदम ठंडी हवा आ रही है, भैया खिड़की बंद कीजिए। और दोस्तों अभी तक का जो सफ़र रहा हमारा जम्मू से श्रीनगर का, इस सफ़र में हम को थोड़ा सा डर लग रहा था कि हम जम्मू से रात में ट्रैवल करें ना करें, लेकिन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवल तो रात में ही करो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दिन में बहुत सारे ट्रैफिक मिलेंगे आपको और रात में बिल्कुल ट्रैफिक फ्री होगी, एकदम कम टाइम में आप आ सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप मिस कर दोगे अगर रात में आते हो, तो वो मैं बताऊंगा आपको आगे। निकले बस के पास रोकी, राइट रेड बत्ती है, पूछ लेते हैं इससे। भैया डल झील जाना है, डल लेक। हाँ लेफ्ट हो जाए, मतलब लाल चौक की कौन सा चौक से? जो पहला चौक आएगा उससे राइट। ठीक है, चलो चलो यहाँ से लेफ्ट लेते हैं और तीन गाड़ी है ना। हाँ ठीक है, अगला चौक से बोला है राइट लेने के लिए। भैया डल लेक जाने के लिए किधर से जाएंगे? बस पहुंच गए, 1 मिनट लगेगा पहुंचने। सीधा जाएं? हाँ सीधा सीधा, फिर राइट साइड। अच्छा आगे से राइट हो गया, इसी चौक से बोला है राइट। नहीं ये चौक रह गया, अभी तो चौक नहीं पहुंचा, राइट चली। ये तो रास्ता है, चलो आगे से राइट लेते हैं। ये वाला कहीं डल लग,
राइट घूम यहीं से यू टर्न ले लिया जाए ना राजीव चौक। अच्छा यही सब हाउस बोट है जो दिख रहा है ना सामने, यही सब हाउस बोट है। हम लोग आ गए हैं किनारे। अब इधर ही होटल देखना है हम लोग को कि कहाँ पे होटल मिलेगा। यही हाउस बोट है जिसमें लोग रहते हैं, पानी में चलता है। हम आते हैं देपू पता करके रूम वूम देख के। देखिए मछली मार रहे हैं। चलिए देखते हैं इस होटल में, पता करते हैं कि रूम्स वगैरह है या नहीं है, क्या है इसका। ये भाई ने हम लोग को बोट हाउस का ऑफर दिया है और इसका देखते हैं कि बोट हाउस किस कैसा है क्या है, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे हम लोग कि होटल्स में जाएं या बोट हाउस में जाएं। अभी हम लोग जा रहे हैं बोट हाउस देखने के लिए। तो गाइज ये पीछे जो दिख रहा है ना जिसमें बत्ती जल रही है, वो बोट हाउस है। उसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि वो कैसा है और क्या है और किस चीज से जा रहे हैं। हम बोट से ही जा रहे हैं। पूरा डल लेक है, देख सकते हैं कि डल लेक का नज़ारा कितना खूबसूरत है। और समय जो है अभी 12:30 हो चुका है। टफ में नहाना है, गर्म पानी लेना है, ठीक है। ये बाथरूम है यहाँ का। और ये रूम है हम लोग का। रूम तो बड़ा खूबसूरत है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2500 रुपये में दे रहे हैं लोग। आराम से बैठ सकते हैं वेरेंडा में, कोई टेंशन नहीं। आप खाली 7 आदमी है, कौन से अलग अलग बोल रहे हैं ना लेने के लिए? अलग नहीं है ना, एक ही एंट्रेंस है ना खाली। अच्छा। तो गाइज आज का हमारा फाइनली ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। कल दिन में मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, तो कल का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करना। कल बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। गुड नाइट मित्रों, बाय बाय, गुड नाइट।